ये कौन कौन क्लास है? ये 7 क्लास है, 7 और 8 है, 7-8 है। ये हरादाग खुर्द विद्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्लास 7 और 8 है। हालांकि जिस समय हम लोग विद्यालय घुसे थे, काफ़ी बच्चे लोग जो हैं बाहर में घूम रहे थे। कैसे गुरु जी? नमस्कार, बढ़िया हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है गुरु जी का? नाम बताओ। ये सर का क्या नाम है? श्री वीर बिगन साव। बिगन साव, क्या पढ़ाते हैं ये? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या गुरु जी का नाम क्या है? बिगन साव। बिगन साव। बिगन साव, क्या क्या पढ़ाई होता है विद्यालय में? थोड़ा सा बाहर चल जाइए सर। इंग्लिश आप चल जाइए ना बाहर सर, प्लीज। हाँ, थोड़ा सा बाहर चल जाइए, बच्चे लोग से बात करके हम आ जा रहे हैं। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह, आप लोग कल एक बयान दिए थे, वीडियो में बताए थे, क्या क्या होता है स्कूल का बताइए। सब कुछ होता है। क्या सब कुछ का बता दीजिए, क्या क्या होता है? पढ़ाई होता है। तो फिर वीडियो आप लोग पहले बनवाए थे? तो पहले नहीं पढ़ाई हो रहा था, अब हो रहा है। कल से पढ़ाई होने चालू हो गया जी? अब पहले नहीं हो रहा था, गुरु जी आते फिर चल जाते लप मारी। हाँ, मैंने इस क्लास में गुरु जी आते और लप मारी चले जाते। कहाँ जाते थे? ऑफिस में चल जाते हैं। ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं? मोबाइल वोबाइल देखते हैं जी, गप सड़का करते हैं जी। आप लोग को पढ़ाते नहीं, नहीं है? आप लोग को पढ़ाई होता था? नहीं। गुरु जी करते क्या है बताइए, क्या करते हैं आप बता दीजिए, खड़ा हो जाइए। अरे हंसिए मत, हंसिए मत, नाम बताइए। अंजलि कुमार। क्या करते हैं गुरु जी आके? चल जाते हैं यार। चल जाते, पढ़ाते नहीं है। सब गुरु जी ऐसे करते हैं जी। टोटल कितना गुरु जी होंगे? 8। 8 गुरु जी हैं, 8 गुरु जी आते हैं जी। हाँ जी, विद्यालय में गुरु जी तो आते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उनको हाजिरी देना हो। बच्चे लोगों को हाजिरी देने के बजाय जो है गुरु जी हाजिरी देते हैं, प्रेजेंट होते हैं और अपना ऑफिस में जाकर अपनी मोबाइल में जो है अपना रंगरलिया जो है फिल्म मूवी देखते हैं और न जाने क्या क्या देखते हैं। हालांकि अभी हम क्लास में मौजूद हैं और बच्चे लोगों का आरोप है कि गुरुजी टाइम पर आते तो ज़रूर हैं लेकिन क्लास में नहीं है, पढ़ाते नहीं हैं और वो कहाँ गायब हो जाते हैं कोई पता नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम मालूम है झारखंड के? श्री हेमंत सोरेन। श्री हेमंत सोरेन। शिक्षा मंत्री कौन है मालूम है? झारखंड का शिक्षा मंत्री। राष्ट्रपति कौन है भारत का? नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री अपना नाम? रोशन पासवान। रोशन पासवान। प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है, राष्ट्रपति का भी नाम मालूम नहीं है। कौन क्लास में आप लोग हैं? 8। क्लास 8 में चल गया और क्लास 8 जो है कहीं ना कहीं आज बोर्ड बन गया है, बोर्ड में बच्चे लोग चले गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें जो है प्रधानमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री तक का नाम पता नहीं है। अब दुर्भाग्य का है या तो फिर सौभाग्य का है, ये झारखंड का स्थिति है। ये पहला ऐसा विद्यालय नहीं है, सारे विद्यालय का स्थिति ऐसा ही है और कहीं ना कहीं शिक्षक लोगों में घोर लापरवाही है जब बच्चे लोगों का जो है शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री का भी नाम पता नहीं है। जगन्नाथ महतो जी, अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे होंगे तो बच्चे का स्थिति देखिए। आप तो शिक्षा मंत्री बन गए लेकिन बच्चे को, बच्चे के अंदर जो है शिक्षा मंत्री कौन है उनको भी नाम पता नहीं है। लाके और कुछ बच्चिया लोग हैं, और क्या क्या गुरुजी लोग आप लोग के साथ करते हैं पढ़ाने के अलावा? अब तो पढ़ाने नहीं आते हैं, कल से आने लगे। यस। इसके पहले और क्या क्या होता था आप लोगों के साथ? और कुछ दुर्व्यवहार भी करते थे? नहीं। मारना पीटना डांटना? नहीं, कुछ नहीं। खाना पीना मिलता था? यस। अच्छा, अभी जब हम लोग आ रहे थे तो गुरुजी आप लोग को समझा रहे थे जो मीडिया वाले लोग आए हैं उन लोगों को कुछ नहीं बताना, कुछ ऐसा बताया समझाया? नहीं समझाया, हम सुने हैं। समझाया रहते ना? नहीं समझाए, हम सुने हैं। नहीं, नहीं फिर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। देखिए, अगर झूठ बोलिएगा तो ज़िंदगी भर ऐसी ही पढ़ाई रहेगा, सच्चाई बताइएगा व्यवस्था सुधरेगा, जांच होगा और जो है आप लोगों का पढ़ाई जो है, जो अगर अफसर बनना चाह रहे होंगे, बड़ा बड़ा आदमी बनना चाहेंगे तो बन पाइएगा, थोड़ा खड़ा हो जाइए। लेकिन अगर झूठ आज बोल दीजिएगा तो फिर ज़िंदगी भर आप अनपढ़ रहिएगा और गाँव देहात एरिया में जो है बैल गाय ही चरा पाइएगा। ये सब होता है कि नहीं गलत काम यहाँ पर? नहीं होता है। अभी तो बोल रहे थे होता है। है? नहीं होता है, मैंने गुरुजी टाइम पर पढ़ाते सिर्फ नहीं थे जी। अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। खाना पीना मिलता था आप लोग का जी? कैसा खाना मिलता है?
कैसे दाल भात हो जाए रोज का दाल भात सब्जी जी डेली जी फल वल कुछ नहीं मिलता है मिलता है सोमवार के सूख के सोमवार को क्या मिलता है सेव सेव और सूख के अंडा अंडा सेव और अंडा मिलता है। बगल में क्लास सेवन है थोड़ा सा इसमें भी हम बात कर लेते हैं। आप गुरु जी हैं चलिए धन्यवाद थोड़ा सा बाहर ही रहिएगा आप थोड़ा सा रहिए ना आप इधर ही बच्चे लोगों की नज़र में मत जाइए हाँ बैठ जाइए। सबसे पहले बताइए अभी टाइम कितना हो रहा है मालूम है आप लोग का टाइम मालूम है हाँ चलिए टाइम हम आपको दिखा देते हैं देख कितना बज रहा है 1:45 कितना हो रहा है 1:45 अभी क्या बोलेंगे अगर कोई अभी आते हैं बाहर से अगर आप हमें देख के खड़ा हुए तो क्या आप लोग का बोलना चाहिए था जल्दी बताइए क्या बोलना चाहिए था गुड आफ्टरनून की गुड मॉर्निंग जल्दी बोलिए गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून और सुबह में आएंगे तो क्या बोलेंगे और शाम को आएंगे तो गुड इवनिंग। शिक्षा मंत्री कौन है मालूम है आप लोग का बताइए आप चुप रहिएगा झारखंड का शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री नहीं मालूम है नहीं पता है नहीं। पिताजी का नाम सिली जोखन चंद्रवंशी चलिए पिताजी के नाम मालूम है इधर आपको मालूम है मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के नहीं है? नहीं क्लास सेवन है ना जी गुरुजी नहीं बताते हैं बताते हैं बाकी याद नहीं है हाँ? याद नहीं है बताते हैं बताते हैं लेकिन याद नहीं, नहीं है तो कब याद कीजिएगा याद करेंगे पढ़ना याद है जी कितना तक 11 तक कौन क्लास है सेवन क्लास क्लास सेवन में हम मौजूद हैं और क्लास सेवन का ये स्थिति है। हालांकि हिंदी किताब किसी के पास है किसके पास है दीजिए हिंदी किताब निकालिए तो दीजिए आप ही खड़ा हो जाइए इसको एक लाइन पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा है खड़ा हो जाइए आप क्या क्या लिखा है दो लाइन पढ़िए तो क्या लिखा हुआ हिंदी में पढ़िए क्लास सेवन में है ना जी हिंदी पढ़ने नहीं आता है आप पढ़ लीजिएगा जी इधर आप खड़ा होइए पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है दो लाइन पढ़ के सुनाइए। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की समझ दर्शाती है कि अधिगम सिखाना तब होता है जब पठाए पुस्तक की विषय वस्तु विद्यार्थी और हिंदी किसको पढ़ने नहीं आता है आप लोग का आता है आप लोग का हिंदी पढ़ने आता है पढ़िए बोला क्या लिखा हुआ है दो लाइन पढ़ के बताइए खड़ा हो जाइए हिंदी पढ़ के बताइए क्या लिखा है। क्लास सेवन के बच्चे को अगर हिंदी पढ़ने नहीं आएगा तो बच्चे लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। सबसे शर्म की बात यहाँ के शिक्षक महोदय लोगों का है जब बच्चे लोगों का हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है। इंग्लिश तो अलग बात है हिंदी में नाम लिख लेते हैं इंग्लिश में भी नाम लिख लेते हैं इंग्लिश में नाम नहीं आता है नहीं आता है। सर माननी चाहिए जब हम झारखंड में हैं और ख़ासकर हम गढ़वा की बात करेंगे सेवन क्लास में बच्चे लोग चले गए हिंदी में नाम लिखने आ रहा है लेकिन इंग्लिश में जो है अपना नाम तक भी बच्चे लोग नहीं लिख पा रहे होंगे। हालांकि क्या पढ़ाई होती है एक शिक्षक महोदय थोड़ा सा आ जाइएगा बच्चे लोगों का हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखने आ रहा है इधर आ जाइए क्या होता है यहाँ पर होता है पढ़ाई होता है जो बच्चे रोज अगर नहीं आएंगे आप क्या हैं सहायक हम सहायक अध्यापक हैं हेडमास्टर सर हैं नहीं वो तो बीआरसी में गए हैं बीआरसी में गए कब गए हैं वो 12:30 12:30 बच्चे लोगों का हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है सेवन क्लास में आप लोग करते क्या हैं हम लोग पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं कहाँ पढ़ाते भाई सुनिएगा तब ना हाँ सुना दीजिए ये बच्चा जो है कुछ ऐसे बच्चे हैं हर क्लास में 10 या 5 जो हफ्ता में का महीना में 1-2 दिन आएंगे जो रेगुलर आते हैं बच्चे वही ना पढ़ पाएंगे पूछिए इनसे ये सब बच्चे से आप पूछिए आप रोज आते हैं जी हैं जी डेली आते हैं तो जी एक दिन बीच नहीं करते हैं करते हैं कै दिन आए एक महीना में कै दिन बीच कर लेते हैं निकाह 2 दिन जी और रोज आते हैं जी आप अभी हिंदी ये पढ़ के सुनाए नहीं ना नहीं हिंदी नहीं अब क्या है सामने है हिंदी नहीं बच्चे लोगों का हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा और आप बोल रहे हैं जब बच्चे लोग पढ़ने अरे ये बच्चा जो है पढ़ के सुनाइए ना अभी भी सामने है ना पढ़वा दीजिए नहीं आता हिंदी पढ़ने जी सुनवा दीजिए पढ़िए तो
सुनवा दीजिए ना। नहीं पढ़िए, इसको नहीं आता हिंदी पढ़ने, पढ़ो। अब क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, अभी आप बोले, सुनिए मेरे बात, अभी आप क्या बोले, जब बच्चे लोग नहीं आते हैं, जब आ रहे हैं जो बच्चे वो भी नहीं पढ़ाई। अच्छा ये बताइए ना, मान लीजिए हम सात के टीचर हैं, अभी तो पर डे अथी ये इंग्लिश का घंटी है, इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी का जो टीचर है यहाँ तो रूटीन बना हुआ है। बच्चे का क्या नाम बताए? रागनी कुमारी है। सुनिए मेरी बात, रागनी कुमारी है, और रागनी की इसको स्पेलिंग तक मालूम नहीं है, क्लास सेवन में। सुनिए, शिक्षक जिम्मेवार सात के नहीं है। हाँ। ये जो बच्चा क्लास, बच्चा जो है पहला दूसरा हाँ। तीसरा चार हाँ। पाँच छः हाँ। तब ना सात में आया हाँ। तो इसका जिम्मेवार मान लो पहला में जो क्लास टीचर है हाँ। वो जिम्मेवार है, दूसरा में जिम्मेवार है, तीसरा में ही है। अभी अभी खत्म कीजिए, आपका भी जिम्मेवारी खत्म। हमारी जिम्मेवारी, सुनिए, हमारी जिम्मेवारी है कि आपको हम अंग्रेजी की घंटी में आए, गणित के घंटी में आए, अगर नहीं आए। इंग्लिश तो पढ़ाते हैं ना हाँ। इंग्लिश के बच्ची जो है अपना नाम तक नहीं पता इसको है, क्या हो क्या रही बताइए, पढ़ा क्या पढ़ाते हैं जो होता नहीं। सुनिए, हम पढ़ाते हैं तो मान लीजिए अगर इनको नहीं आ रहा है तो अब मान लीजिए एबीसीडी नहीं आ रहा है, तब इनको एबीसीडी अगर पढ़ाएंगे तो इन लोग जो है थोड़ा सा है ना, क्या मतलब, तो इसके क्या, लिए खोल के बताइए ना, क्या खोल के नहीं, इसको जब रिमेडियल क्लास में चला, इसे ज्ञान सेतु वगैरह हो गया उसमें, मैंने बच्चे लोगों का इंग्लिश नाम लिखने नहीं आ रहा है तो आप उसको नहीं बताइएगा, क्या नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको शर्म लगेगा जिन लोग क्या करेगा, मैंने एक साथ आपको चलना है। इसको जो अंग्रेजी बताएंगे या हिंदी बताएंगे पढ़ाने के लिए तो 45 मिनट की घंटी है, 45 मिनट अगर इस तरह से बच्चे, मैंने आप कहानी दोहा पढ़ के चले जाएंगे लेकिन बच्चे लोगों का जो बेसिक नॉलेज है वो आपने दीजिएगा। निष्ठापूर्ण हम पढ़ाते हैं हाँ। लेकिन बात ये रह गई कि जो सबसे पीछे है ना उसको थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत होगा नहीं, लेकिन जो तेज तरह जो बच्चा होता है, छोड़े ना, नाम पता नहीं है ना, अगर एबीसीडी नहीं आएगा तो क्या पढ़ाइएगा आगे, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, बुक पढ़ाते होंगे, एबीसीडी तो धड़धड़ा के पढ़ा के चले जाते होंगे, नहीं पढ़ा बच्चे लोगों का जब एबीसीडी नहीं मालूम है। आप पूछिए, पूछ तो रहे सामने में ना है, पूछ तो रहे हैं तो आपसे डरा रहा है, आप ही पूछ लीजिए ना, नाम लिखवा के हमको दिलवा दीजिए। आरोप है जब से कल से जो वीडियो वायरल हुआ इसके बाद विद्यालय का व्यवस्था कुछ तो सुधरा, वो जरूरी है, लेकिन बच्चे लोगों के ऊपर जो है पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर साहब आते हैं क्लास में और अपना चेहरा दिखा के चमका के चले जाते हैं ऑफिस में और कहीं ना कहीं गप सड़ाका करते हैं। हालांकि इनका डिप्टी अगर नहीं होता, फिंगरप्रिंट के माध्यम से अगर इनका हाजिरी नहीं लगता तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय भी नहीं आते।